अनुराग जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 इंडिया के इस महामंच पर जो देश का नंबर वन न्यूज चैनल है आप खेल मंत्री भी हैं सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं कॉमनवेल्थ खेल खेल में इस समय भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है लेकिन एक तरफ तो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ईडी का खेल भी चल रहा है ये क्या खेल है नमस्कार मित्रों आपने सही सवाल पूछा कि आखिरकार ईडी की रेड या ईडी की जांच क्यों चल रही है शायद यही सवाल 2010 11 12 13 14 इन पांच वर्षों में देश पूछता था कि क्या कभी कोई कार्रवाई होगी क्या कभी जो सरकारों में भ्रष्टाचार होता है इस पर नकेल कसी जाएगी वायदा यह किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे सुशासन देंगे और आज मैं कह सकता हूं कि आठ वर्षों के बाद कोई आठ रुपए का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सकता है दूसरी बात आखिरकार जनता के पैसे अगर कहीं पर खाए गए मुखर्जी हो चटर्जी हो चाहे लिंक कहीं बनर्जी जी के साथ जुड़े हो या देश के किसी कोने में कोई मैं किसी जातिगत उस पर नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ किसी नाम मान लो पार्थ चटर्जी है या कोई और व्यक्ति है इनके मैं पूरा लिंक समझ चटर समझ चटर्जी बनर्जी सारा रहा मैं मैं ये कह रहा हूँ कि इन सबके लिंक कहाँ जुड़े हैं क्या किसी मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना किसी मंत्री के नजदीकी के घर पे एक बार बीस करोड़ दूसरी बार फिर उतने फिर तीसरे अंत ही नहीं हो रहा है और जब ये कट मनी की बात चलती थी तब लोगों को लगता था शायद आरोप लगते हैं और जब चिट फंड की बात होती तब भी ऐसा लगता था लेकिन चिट फंड घोटाला करने वालों ने बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बनाई हुई पेंटिंग तीन करोड़ रुपए में खरीदी आप में से कितने लोगों की पेंटिंग किसी ने तीन करोड़ रुपए में खरीदी है कोई ऐसा यहां पर तो वैसे कोई यस बैंक वाला था तो उसने किसी एक परिवार वाले जो इतने वर्षों तक देश पर राज करते रहे उनके लिए वैसा काम करने का उन काम पर भी देखिए अब देखो पार्था चटर्जी के पास तो नोट निकल रहे हैं अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा उसके बाद इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो नेशनल हेरल्ड हाउस और उसके बारह ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि द्वेश भावना के साथ ये सरकार कार्रवाई कर रही है चलिए देश को ये तो पता चला नेशनल हेरल्ड के ठिकाने कितने हैं और इस पे कब्जा किसका है कितनी शेयर कैपिटल थी और कितने की संपत्ति है अमित जी मेरा एक गिला आपसे है जी जी आपके चैनल से भी और कुछ बाकियों से भी जी आप लोग देश को बताते क्यों नहीं नेशनल हेरल्ड केस है क्या किसने रोक रखा है आप क्या देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को बुलाया गया आप यह नहीं बताते कि इतने हजार करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है अगर मैं आपके इस अभी बातचीत में करूंगा तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा आधा घंटा मुझे केवल नेशनल हेरल्ड केस को समझाने के लिए नेशनल हेरल केस को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा Uh, मैं नेशनल हेरल्ड केस को लंबे अरसे दो हजार बारह से फॉलो करते हुए आया हूं हूं मैं मानता कि कुछ परिस्थितियां हैं उसके अंदर लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं तो एक पॉलिटिकल मौका तो मिलता ही है उनको सवाल खड़ा करने का वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है सत्यन जैन पर होता है पार्था चटर्जी पर होता है राहुल गांधी पर होता है सोनिया गांधी पर होता है और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता ईडी की रडार पर ऐसा क्यों तो संजय राउत भी है अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के जिसने किया उसी के ही जाएगा अब ना मेरे नेशनल हेरल्ड है ना मेरे घर पे कोई आएगा लेकिन जिन्होंने किया है क्या वो देश के कानून से ऊपर है मेरा सबसे बड़ा सवाल आज आपके चैनल पर एक है क्या राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी देश के कानून से ऊपर है क्या गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं तो फिर गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन क्यों अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए वो बुजुर्ग है चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती चलिए मैं तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जान्ची जान्ची नहीं पूछेगी आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि तो विपक्ष आरोप लगाता है कि का। जी, 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 जी। अब उनकी तो यादाश्त घोटाले के बाद चले गई आपकी क्यों रही मैं आऊंगा सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर भी क्योंकि आप लोग उस पर भी थोड़ा बहुत नरम रहता है आपका चैनल पंजाब में जो घटा जी तीन महीने की सरकार नहीं हुई थी तीस हत्याएं हो गई तीस हत्याएं गैंगस्टर जेलों में बैठ के लोगों को मार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा रहे हैं पंजाब के सिक्योरिटी वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है सिक्योरिटी लेने वालों में और वहां मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन सलाहकार यहां से भेज दिया पर भगवंत मान तो आपको दोस्त भी होंगे सदन में भी रहे काफी समय तक वो बड़ी घनिष्ठ मित्रता है अब तो आपको बधाई देनी चाहिए वो एक नए जीवन में बंधे हैं कुछ दिन पहले चलिए, मैं इस मंच पे कुछ नहीं कहूंगा जी जी कुछ बातें प्राइवेट के लिए भी ठीक रहती चाय पे कर लेंगे जी आ, लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जी जी और सरकार का इनिशियल पीरियड खत्म हुआ तो सोचा था वो अब कामकाज पे लगेंगे जी और जब इनका इनिशियल पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद कामकाज पे लग जाएंगे <laughs> मैं मैं आगे का रुख करता हूँ और क्योंकि ईडी की बात हो रही थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बुन सुना चाहता हूँ दस की बाइट है सुनते हैं जरा दर ईडी by the 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 BJP party into a group of of idiots. They only know when and how to dance to dance tune of the ruling dispensation. वो कहते आपके इशारों पर नाच रही है और इडियट है हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं कभी कहते है मेरी भाषा ये नहीं है पार्लियामेंट के अगर आप तीन वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है दल के नेता है उनके मैं आपको वैसे आपको वैसे अध्ययन करना चाहिए चैनल को नहीं मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी वो आपको दिखाने चाहिए मेरी हिंदी और ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो पचपन साठ साल सत्ता में रहा हो आज उसकी हालत हो गई है आज ये उसकी हालत है जी राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के पचहत्तर वर्ष मना रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें एक बहुत बड़ी घटना यह घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है यह हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया में इसकी पूरी दुनिया में इसकी वाहवा हो रही है लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे आज वो पचा नहीं पा रहे जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा चुनाव से पहले तो कहा ये तो गरीब मां का बेटा है चाय बेचने वाला है लेकिन देश की जनता ने गरीब मां के बेटे को वोट दिया चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया इसी तरह से इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए तब भी इस तरह के शब्द बोले गए लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जब उनका परिवार जहां से आया है उनकी मां की मृत्यु उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी जब वो छोटे से थे पांच छह साल के थे कैसा जीवन व्यतीत किया होगा वहां से राष्ट्रपति पद तक आना और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना यह आसान अस, काम नहीं कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है इसका स्वागत करना चाहिए देश के लिए बड़ी गर्व की बात है आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देश को पहली आ, आदिवासी राष्ट्रपति मिली लेकिन अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला मेरी हिंदी कमजोर है मैं माफी मांग चुका हूं आप मुझे फांसी पे लटकाइएगा देखिए गलती कोई एक बार करे तब तो ठीक है जब मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार नेशनल हेरल के अलावा एक और भ्रष्टाचार जी राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार पर पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए तो इन्होंने आपा खो दिया पारा खोने के बाद मुझे कहा छोकरा कहां से आ जाते हैं ऐसे करके कि हिमाचल का छोकरा करके ऐसे बोल दिया लेकिन वो उनको उल्टा ही पड़ा जी ये एक बार नहीं करते हैं कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में राष्ट्रपति जी के बारे में सांसदों के बारे में ये आदत बन गई है और कांग्रेस ने क्या जानबूझ कमी हो गई है कांग्रेस कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती करी इसमें कोई दो नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए महंगाई का पाप छुपाने के लिए जीएसटी का पाप छुपाने के लिए वो जो कार्य नहीं कर पा रहे उसका पाप छुपाने के लिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं देखिए मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी जी जी, जी, प्रियंका जी ने कैंपेन लॉन्च किया लड़की हूं लड़ सक, लड़ हो सकती हूँ वो लड़की आजकल नजर नहीं आई लड़ने के लिए देश की राष्ट्रपति पर उनके ही पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे अपमानित किया काश वो लड़की आगे आई होती एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नजर आते हैं राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी और महिला के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई किसी की गर्दन काट दी गई वो बेटी तो आगे कभी नहीं आई राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं कब शुरू होती कब खत्म होती है वो देश को जानकारी तो देश में ही है वो आप खूब खबर रखते हैं नहीं आजकल तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में, में नजर नहीं आते लेकिन आपको पता है आजकल तो देश में ही है और वो कहते हैं कि दूसरा दूसरा सोनिया भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी सोनिया गांधी जी जिनको इतना मान सम्मान क्योंकि वो इटली में पैदा हुई उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया जी भारत के लोकतंत्र की विशेषता है लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है माफी मांगते हैं वो बड़ी हो जाती जी लेकिन ना अनुसूचित जाति ना अनुसूचित जनजाति ना महिला इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई केवल वोट बैंक की राजनीति की है और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा राहुल गांधी चुप रहे सोनिया गांधी चुप रही और ये लोग कभी आगे नहीं आए कांग्रेस क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगे तो कांग्रेस ने बोला कि वो आ, बहुत आ, सोनिया गांधी को टारगेट किया गया आ, रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा लेकिन देश सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी ये चुप्पी क्या कहती है चुप्पी क्या कहती है और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पड़ी कितनी नहीं पड़ी मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। लेकिन चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है और उन्होंने जो कह दिया मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा जो पार्लियामेंट में हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी जी जी के बीच में उस पर आप आप क्या क्या कहना चाहते हैं मैं कुछ नहीं जी। क्या आपको लगता है कि आ, संसद को कांग्रेस का आरोप है कि आप ही नहीं चलने देना चाहते आपका आरोप है कि कांग्रेस रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार है आ, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रेड हो जाती है तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर ये सदन को चलने देना चाहते हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और आप तो बहुत सबसे पर, मतलब आप यू बीन फ्रॉम द इयर्स। जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब क्या पार्लियामेंट चल रही थी नहीं चल रही थी तब भी सड़कों पर हंगामा गाड़ियां चला देना तोड़फोड़ करना ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम किया सोनिया जी अस्पताल में थी बार बार डेट्स मांगी जितनी डेट्स मांगी उतनी डेट्स ईडी ने देने का काम किया राहुल जी ने भी जब डेट्स मांगी ईडी ने तब तक डेट्स देने का काम किया जांच एजेंसियां देश की स्वतंत्र है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए और अगर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है जमानत पर है अभी जेल गया नहीं है जमानत पर है तो जांच एजेंसियों को उनको बुलाने का पूरा अधिकार है और राहुल जी और सोनिया गांधी जी बेल यानी कि जमानत पर है जब जब जांच एजेंसियां बुलाएं उनको जाकर उनकी वहां पर जाना चाहिए क्यों क्या छिपाना है जी अगर कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या है और अगर गलत किया है तो डर इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है चलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी ने गलत किया है लेकिन संजय राउत ने भी गलत ही कर दिया है वो जेल चले गए हैं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे चलिए उद्धव जी कह रहे हैं आपके पुराने सहयोगी हैं पुराने तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था मैं नहीं गया इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है लगता संजय राउत पर चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया और कभी वो कहता है कि मैंने किया है कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक एक उदाहरण बताइए कोई लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं आपने आज तक जी जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए जी गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी दिन आया ना याद है देखिए बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवी पर भी देखता हूं आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे है, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या है सब जी? दिखाते हैं सर जो जिस मतलब आप गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं जेल जाते हुए भी ऐसे हिला, हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहा कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस इसमें हम कैसे रोकेंगे उसको देखिए विजुअल्स का बहुत फर्क होता है अब नवाब मलिक भी अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं वो अभी तक जेल में ही है अब क्या कहिएगा इसमें अब जाते तो कई ऐसे कर कर के कि जैसे जल्दी आने वाले हैं कई तीन तीन महीने से अंदर हैं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है मैंने पूरा पढ़ा बिल्कुल कहते ईमानदार है कट्टर ईमानदार लेकिन, लेकिन तीन महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार जी बिल्कुल लेकिन आप लोग दिखाते कहा है जी उनके हम सब दिखाते हैं कहा एक करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को चपत लगा दी उन्होंने बिल्कुल शराब वालों को जो ठेके दिए पॉलिसी में बदलाव किया पूरे नियमों की धजियां उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया और ये देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री आठ साल से है जिम्मेदारी कोई नहीं है वो कहते हैं हैप्पी कभी जैन करते हैं कभी मनीष सिसोदिया करते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं ये सब ईमानदार है लेकिन वो तो कहते हैं मैं हैप्पी क्लास चलाता हूं नहीं ऐसा है जी अगर, अगर अगर उनकी इस नीति में एक्साइज पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी तो वापिस क्यों की आपने पूछा केजरीवाल जी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पूछा जाएगा उनसे हाँ आप नहीं जाएंगे पूछने के लिए नहीं बिल्कुल हम मेरा सिर्फ सवाल देखिए देश को ये बताना चाहिए कि जो बड़े बड़ी डींगे मारते हैं जो सन 2011 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे ये तो उसके बाद आए और तब तो इन्होंने कसमें खाई थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे आपने कभी दिखाया देश के लोगों को वापस उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा वहां पे झूठ बोला फिर पंजाब के चुनाव आए तो उससे पहले ऐसी शराब की नीति लेकर आए जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला आपके सामने आया जो पंजाब के चुनाव से पहले इन्होंने किया अब जाके पॉलिसी को रोल बैक करने का काम कर दिया पंजाब के चुनाव में जिनके घरों में जाके ठहरे उनके टेररिस्ट के साथ लिंक हैं जी आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ ये जाके रहे ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं लेकिन आप लोग इनको पर्दाफाश करने के लिए तैयार नहीं है सर हम सारी खबरें दिखाते हैं मैं फिर बोल रहा हूं और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा व्यूअर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे इसीलिए हम शायद नंबर वन है लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं और वो शिकायतें ये हैं वो कहते हैं कि अ, मोदी जी और बीजेपी उनसे डरते हैं इसीलिए ईडी को आगे कर रहे हैं सीबीआई को आगे कर रहे हैं और सिसोडिया को गिरफ्तार करना चाहते हैं सतेन जैन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हिमाचल में थे और आप तो खुद हिमाचल से आते हैं <laughs> हिमाचल में इनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जो इनके संगठन मंत्री जनरल पूरी टीम ही चली गई है। जो इनके पूरे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी इनके आई सेल के इंचार्ज थे पूरे के पूरे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पार्टी में में आम आदमी कहती तो तो है है पीछे अनुराग थाकुर, अनुराग ठाकुर ठाकुर ने उनको अपने जाल फंसा लिया पार्थ चटर्जी के घर से पैसा पकड़ा जाए तो किसी और का दोष है सोनिया जी राहुल जी जी का भ्रष्टाचार बाहर आए तो बीजेपी दोषी है सतेंद्र जैन मनीष सिसोदिया जी और बाकी सब लोग भ्रष्टाचार में घिरे अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का तो सबके लिए बीजेपी दोषी है सब तो बहुत साफ सुथरे हैं हमें क्या जैन जी, जी का कौन है वो एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा यादाश्त चले गई है अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी यादाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं तो वो भी जाएंगे दूसरे भी भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा का, तो जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि चिंतित आप, आप क्यों हैं? मैं क्यों चिंतित हूँ क्यों चिंतित हूँ मुझे तो लगता है कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन एक सवाल क्योंकि आजादी का ये अमृत महोत्सव है और तिरंगे के साथ अनुराग ठाकुर का जुड़ाव जो है वो काफी समय से है तिरंगा यात्रा भी लेके आप निकले थे जब आप युवा मोर्चा में होते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि तेरह से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर तिरंगा फहराना है तो जाके गलवान में फहराओ जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बावन साल तक आर एस एस के हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया था मैं पहले तो आज आपका भार प्रकट करूं आपने ये कहा कि अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा में होते थे तब तिरंगे काश आपने ये नहीं कहा कि जब अनुराग ठाकुर युवा होते थे युवा मोर्चा में होते थे तो कहा तो मेरी थोड़ी लाज आपने रख ली है सर तो आप युवा की बात कर रहे हो आजकल तो इस देश के अंदर युवा नेता की श्रेणी की एज लिमिट बढ़ती जा रही है चलिए तो आपने मुझे श्रेणी बढ़ाकर युवाओं में रखा है कहीं तो आप छोड़ नहीं रहे आज मुझे है आपने आप, आप ही नहीं रहे कोई मौका 2010 में बहुत सारा पथराव भारत की सेना पर हो रहा था मैं इसलिए याद करा रहा हूं साल पुरानी बात है मैं दूसरी बार लोकसभा का सांसद बना था तो 2010 में इतने पथराव हुआ कि 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए कांग्रेस उस समय एक पॉलिसी ला रही थी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर रही थी कश्मीर को ज्यादा स्वायत्ता देने की बात कर रही थी और उससे हमारे सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती तो मैंने पहले इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया देश के हर राज्य में गया उसके बाद कलकत्ता से कश्मीर राष्ट्रीय एकता यात्रा तिरंगा यात्रा चलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक मुझे तब भी मीडिया के लोगों ने कहा कि कहाँ तुम 2011 में ये कर रहे हो कौन आएगा तिरंगे के नाम पे? लेकिन आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं तिरंगे की ताकत को समझिए ये केवल तीन गज का कपड़ा नहीं ये इसमें इतनी ताकत है कि 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है तिरंगे की ताकत जय हिंद जय हिंद और उस समय कलकत्ता से कश्मीर तक जब मैं चला मुझे देश में शायद ही कोई जानता होगा मैं तो दूसरी बार का सांस युवा मोर्चा का नया नया अध्यक्ष बना था लाखों युवा जुड़ते चले गए और अब माधोपुर का आज भी वो मुझे सीन याद आता है अस्सी नब्बे हजार युवा पूरे देश भर के इकट्ठे हुए कांग्रेस ने कई ट्रेनें बीच रास्ते में से झारखंड की सॉरी छत्तीसगढ़ की कर्नाटक की और एक राज्य की ट्रेन बीच रास्ते में से वापस कर दी पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई कार्यकर्ताओं की कि कश्मीर ना पहुंचे उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री थे जी 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 उन्होंने फोन करके कहा कि अनुराग को मत आने दो यहां पर पता नहीं क्या हो जाएगा तो मेरे पिताजी ने वापिस कहा था कि मेरा बेटा फौजी का पोता है मेरे दादा फौजी परदादा फौजी थे मेरा एक बेटा अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ भी उसको हो जाता है तो मुझे स्वीकार है उसको जाना ही चाहिए तिरंगे फहराने और मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ उमर जी ने चिंता व्यक्त की थी जी 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 कि यहाँ पर बहुत खतरा है मत आने दीजिए और आपको याद होगा माधोपुर के उस पुल पे जब हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में घुसते हैं तो पूरी फेंसिंग कर दी गई थी पूरी फौज पुलिस जम्मू कश्मीर की खड़ी कर दी कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए अरे जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है लेकिन ये चुनौती खड़ी कर दी कि कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराया जाए हमारे कार्यकर्ता पंद्रह पंद्रह दिन पहले वहां पर पहुंचे रोज होटल की चेकिंग होती थी कि तिरंगा झंडा दिख जाए तो जेल में डाल देते थे हमारे नौजवान फिर भी गए लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया हड्डियां भी तुड़वाई जेल भी गए लेकिन तिरंगा लाल चौक पर फहराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया उनमें से एक कार्यकर्ता उनमें से एक कार्यकर्ता प्रदीप सिंह बघेला आज गुजरात के महामंत्री भाजपा के जी हर संघवी गुजरात के गृह मंत्री और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं ऐसे दो और जिनकी हड्डियां टूटी थी ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है मुझे मेरे साथ अरुण जेटली जी सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा के सुषमा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा की थी इनको मेरे साथ जेल में कठुआ जेल में डाल दिया गया ताकि हम लोग तिरंगा झंडा ना फहराएं ये क्यों हुआ क्योंकि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर पैंतीस से देश में था लेकिन 2019 में मोदी जी की सरकार बनी तो अनुच्छेद तीन सो सत्तर पैंतीस से सदा सदा के लिए देश से हटा दिया गया है अब कोई आपको नहीं रोक सकता आप निरंतर देखते हैं अभी भी तिरंगा यात्रा वहां पर हुई बार बार अलग अलग समय पर वहां पर तिरंगा लहराया जाता है ये 2019 से पहले का समय जी और तीन सौ सत्तर पैंतीस के जाने के बाद के समय का अंतर मैं आपको कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री ने लेकिन एक निवेदन में आप सबसे फिर कर दू जी, जी जी आप आज यहां जाने से पहले अपने अपने डीपी पर फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जहां पर भी है ट्विटर पर आप तिरंगे को अगर अपना डिस्प्ले पिक्चर बनाएंगे तो बहुत सारे भारतीय इसी मुहिम के साथ जुड़ेंगे ये एक मैसेज है हालांकि कल मैं किसी टीवी पर देख रहा था चलते चलते ऐसे आगे तो किसी ने कहा मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान चलाया था क्या हुआ मोदी जी ने झंडे का तिरंगा कैंपेन चला दिया तो क्या होगा सोच बदलो देश बदलेगा स्वच्छता अभियान के कारण बहुत फर्क पड़ा है कभी उत्तर प्रदेश जाना योगी जी के इलाके में जब वो सांसद थे बार बार उठाते थे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी होती है आज उससे मुक्ति मिली उसका सबसे बड़ा कारण गंदगी ही था आपने गंदगी से मुक्ति दिलाई तो उससे मुक्ति मिली यूनाइटेड नेशंस की डब्ल्यू की रिपोर्ट जो मैंने 2010 में पढ़ी उसमें गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होने का कारण बीमारियों का कारण या बुजुर्गों बच्चों का शौचालय ना होना था अगर 12 करोड़ शौचालय बने तो उसके कारण हुआ गंदगी मुक्त हुआ तो बहुत कुछ बड़े अभियानों के कारण बदला है तिरंगे झंडे की डिस्प्ले पिक्चर लगाने से क्या होगा एक संदेश आएगा ये तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है और उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने आजाद भारत हमें दिया था और आज के दिन ही तिरंगे झंडे को अपनाया गया था अगर आपको मैं याद करवाऊँ तो बाईस जी हा? जी ए, आ, क्योंकि तिरंगे की बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का परचम लहराया जा रहा है आप खेल मंत्री भी हैं क्या कहना चाहते हैं आप और मैंने कई बार ट्विटर पे देखा है कि जैसे ही खिलाड़ियों की शिकायत आती है आप एक्शन भी ले लेते हैं निश्चित तौर पर लेने चाहिए एक्शन क्योंकि खिलाड़ियों के दफ्तर के चक्कर नहीं कटने चाहिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ ईज ऑफ लिविंग के चक्कर में ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा दी हैं अगर आपको अपना कैश अवार्ड चाहिए अब आपको ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाना है ना फेडरेशन में जाना है आपको केवल एक बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आपको एक साल दो साल इंतजार नहीं करना कम से कम समय के अंदर एक दो हफ्तों के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा ये हमने कर दिया है आपको पेंशन लेनी है तो पेंशन के लिए भी आपको यही करना है आपको मदद चाहिए कोई अपना सहयोग चाहिए तो उस योजना के अंतर्गत भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरनी है एक तो ये हो गया ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दूसरा जो कॉमनवेल्थ खेल में हो रहा है मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर सभी वेट लिफ्टर्स को जिन्होंने इतने मेडल्स हमें जिताए हैं अभी आगे बहुत सारी खेल होनी है लेकिन इस बार शूटिंग और रेसलिंग हिस्सा नहीं है पिछली बार हमारे बहुत सारे मेडल शूटिंग में थे इस बार वो नहीं है राइफल शूटिंग तो कुछ कमी वहाँ पर आएगी लेकिन फिर भी हमारे बाकी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं नीरज चोपड़ा अनफिट हो गए पहले वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा लेकिन जो उन्होंने किया है अंजू बाबू जॉर्ज ने आज से लगभग तीस साल पहले किया था उन्होंने अब करके दिखाया है लगभग पंद्रह अठारह साल पहले किया जी अब, तीन में किया था मैं तो, मैं सोशल मीडिया पे जब आप मैं आ, मैंने बताया कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं तो बहुत लोगों के सवाल आए कि अनुराग ठाकुर अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं बातचीत बातचीत के अलावा भी तो कुछ करते होंगे ना कुछ करने के लिए मत कहना है यहाँ पे बस आजकल नहीं तो खेल मंत्री होने का एक नुकसान ये हो गया है किसी इवेंट में जाओ बास्केटबॉल जाओ तो कहते बास्केटबॉल खेल के देखो मे, मेरी थी सर, आपके कुछ फैंस और व्यूअर्स की फरमाइश है ये आप सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़िए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज यही मूल मंत्र है करिए